उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम पर चौबेपुर के कैथी ग्राम के उत्तरी सीमा पर बना श्रीमार्कंडेय धाम अपार जन आस्था का प्रमुख केंद्र है। तमाम तरह की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए यहां आते हैं, लेकिन ऋषि तथा उनकी पत्नी मरंधती दोनों पुत्रहीन थे। वे नैमिषारण्य सीतापुर में तपस्यारत थे। वहाँ बहुत से ऋषि भी तपस्यारत थे। वे लोग मृकंड ऋषि को देखकर अक्सर ताना स्वरूप कहते थे कि बिना पुत्र गति नाश्ती, अर्थात बिना पुत्र के गति नहीं होती। मृकंड ऋषि को बहुत ज्ञानी होती थी। वे पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ सीतापुर छोड़कर विंध्याचल चले आए। वहां इन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की। इनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताया कि हमारी लेखनी को मिटाने वाले सिर्फ एकमात्र भगवान शंकर हैं। आप शंकर जी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर मृकंड ऋषि गंगा गोमती के संगम तपोवन कैथी जाकर भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए। कुछ वर्षों बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। मृकंड ऋषि ने याचना की, भगवान मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर शिव ने कहा, तुम्हें अधिक आयु वाले अनेक दिव्य पुत्र चाहिए या फिर मात्र 16 वर्ष की आयु वाला एक गुणवान पुत्र। मुनि ने कहा कि प्रभु, मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। समय आने पर मुनि के यहाँ मार्कंडेय नामक पुत्र का जन्म हुआ। बालक को मृकंड ऋषि ने शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम भेजा। समय बीतने के साथ बालक की अल्पायु की चिंता मृकंड ऋषि को सताने लगी। दोनों दंपत्ति दुखी रहने लगे। मार्कंडेय जी को माता पिता का दुख में देखा गया। वे कारण जानने के लिए हट करने लगे। बाल हट के आगे विवश होकर मृकंड ऋषि ने सारा वृतांत कह बताया। मार्कंडेय समझ गए कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाकर जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ तो इस संकट में भी शंकर जी की ही शरण लेनी चाहिए। मार्कंडेय गंगा गोमती के संगम पर बैठकर घंघोर तपस्या में लीन हो गए। शिव पार्थिव वाचन पूजा करते हुए उनके 12 साल बीतने को आए। एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडेय को लेने के लिए अपने दूत को भेजा। भगवान शंकर की तपस्या में लीन बालक को देख यमराज के दूत का साहस टूट गया। उसने जाकर यमराज को सारा हाल बताया। तब जाकर यमराज स्वयं बालक को लीन भैंसे पर सवार होकर आए। जब यमराज बालक मार्कंडेय को लेने आए तब वह शंकर जी की तपस्या में लीन था तथा शंकर व पार्वती स्वयं उसकी रक्षा में वहां मौजूद थे। बालक मार्कंडेय का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज देव से भय दिखा प्रहार करने लगे। तब मार्कंडेय जी घबरा गए और उनके हाथ से शिवलिंग जमीन पर जा गिरा। शिव पार्थिव गिरते ही मृत्यु लोक से अनादि तक शिवलिंग का स्वरूप हो गया। यमराज का त्रास देखकर भगवान शंकर भक्त की रक्षा करने हेतु प्रकट हो गए और मार्कंडेय को यमराज से बचाया और यमराज को सचेत करते हुए कहा कि चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, सूर्य और चंद्रमा बदल जाए, किंतु मेरे परम भक्त मार्कंडेय का तुम कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। इस बालक की आयु काल की गणना मेरे दिनों से होगी। तब से गंगा गोमती के तट पर बसा कैथी गांव मार्कंडेय जी के नाम से विख्यात है। यहां का तपोवन काफी विख्यात है। यह गर्भ पराशर श्रृंगी उद्याल आदि ऋषियों की तपस्थली रहा है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था। यही वह तपस्थली है जहां राजा रघु द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण करने पर उन्हें उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। पुत्र कामना के लिए यह स्थल काफी दुर्लभ है। हरिवंश पुराण का पारायण तथा संतान गोपाल मंत्र का जाप कार्य सिद्धि के लिए विशेष मायने रखता है। पुत्र इच्छा पूर्ति के लिए इससे बढ़कर सिद्धि स्थान कोई दूसरा नहीं है। मार्कंडेय महादेव के इस तपस्थली पर हर समय पति पत्नी का जोड़ा पीत वस्त्र धारण कर गांठ जोड़े पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ कराते हैं। इस जगह आकर पूजा अर्चना के बाद लोगों को मनोकामना सिद्धि मिलती है। भारतीय जनमानस को आज भी तीर्थ स्थलों पर सिद्धि और शांति प्राप्त होती है। समय समय पर पृथ्वी पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने तप के बल पर भाग्य की लेखनी को पलट दिया है। गंगा गोमती के संगम पर स्थित मार्कंडेय महादेव तीर्थ धाम इसकी अनुपम मिसाल है।